हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो आज है 12 अगस्त और आज हमको बहुत सारे काम भी है अभी। और सबसे पहले तो अभी मेरे को मेरे अंकल के घर जाना है। मेरे को 4 व्हील लेनी है, 4 व्हील चाहिए। मेरे को बाहर जाना है मम्मी के साथ। तो मेरी 4 व्हील मतलब कि मेरी कार जो है पापा लेके गए गाँव, तो मेरे अंकल की कार लेने जाना है मेरे को। तो सबसे पहले वो लेने जाते हैं तैयार होके, और उसके बाद मम्मी के साथ जाऊँगा मैं सब काम ख़त्म करके। और उसके बाद हम हमारा काम करेंगे, मतलब कि 15 अगस्त आ रही है उसकी तैयारी करेंगे। झंडा लेना है, मतलब कि जो उसका सब तैयारी करना है, कहाँ रखेंगे झंडा बाइक में, वो सब फिक्स करना है, देखना है। तो अभी मैं एग्जॉस्ट डालने वाला था। मैं एग्जॉस्ट अपने पास, मेरे पास है एग्जॉस्ट, और मेरे को बैंड पाइप चाहिए था जो मेरे को मिल भी गया था वैसे कच्छ मोटर स्पोर्ट्स जो यहाँ पे है शॉप इमरान भाई की, तो वहाँ पे मिल भी गया था, लेकिन मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि पापा ने मना कर दिया एग्जॉस्ट मत डाल, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। यार मैंने समझाया नहीं होता कुछ भी, फिर भी पापा ने मना बोला, मतलब मना हो गया। अगर आपको भी एग्जॉस्ट डलवाना है तो आप जा सकते हो, मैं उनका कॉन्टैक्ट नीचे दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इंस्टा आई डी दे दूंगा, इंस्टा आई डी में आपको उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर भी दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा। उनके पास ऑलरेडी एग्जॉस्ट अवेलेबल भी है, बहुत सारी कंपनी के एक्रोपोविक के SC प्रोजेक्ट और बहुत सारे एग्जॉस्ट है, बुलेट के लिए भी है और ऐसे स्पोर्ट्स बाइक के लिए भी है। मेरे पास ऑलरेडी एक्रोपोविक का था, इसलिए मैंने उनसे एग्जॉस्ट नहीं लिया। अगर है तो फिर समझ सकते हो, नहीं होता तो मैं खुद उनसे लेने वाला था एग्जॉस्ट। तो बस अभी नहा धो के और निकलता हूँ और गाड़ी लेके, फिर काम ख़त्म करके फिर दोबारा निकलते हैं बाइक से और वो सब आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, तो हम निकल चुके हैं बाइक पे। मैं बाइक मेरे भाई को दूंगा और उससे मैं उसकी कार लूंगा। ये देखो पूरा रोड तोड़ ही दिया। यहाँ पे इतना पानी भर चुका था, ये इन लोगों ने रोड तोड़ा है। रोड ये टूटा नहीं है, इन लोगों ने रोड तोड़ा है क्योंकि पानी निकल सके। आप देखो सामने एक और बार तोड़ा है, तो उसे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बार इन लोगों ने रोड तोड़ा होगा, मतलब कि कितना पानी भरा होगा जो इतनी बार इन लोगों ने रोड तोड़ा इतनी जगह से। देखो सबको दिक्कत ही हो रही है यहाँ से जाने में, हाईवे में पानी भरा होने का मैं हाईवे से चला जाता। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई जब बाइक चलाते हो तो यही दिखता है, ये मतलब इतना ही दिखता है, ये सामने का रोड नहीं दिखता, मतलब क्या हो रहा है आगे वो दिखता नहीं है आप बाइक चलाते हो। तो इसलिए मैंने अपने सर का एंगल चेंज किया, मतलब कि जो कैमरा एंगल है वो तो वही है, लेकिन जो मैं पहले नीचे देखता था, मतलब थोड़ा हेलमेट नीचे रखता था, वो थोड़ा मैंने हेलमेट ऊपर रखा है। तो अभी आपको शायद रोड सब दिख रहा होगा, दिख रहा था वो उनकी बात सही थी, आगे क्या हो रहा है मालूम नहीं चल रहा है, कुछ भी हो गया हो तो वो पता नहीं चलेगा, तो मतलब क्या है कैमरे का, रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसे ऐसे सूखे लोग को गाड़ी मिल जाती कि क्या बताऊं अभी। अरे देखते नहीं है किधर चला रहे हैं, हम ओवरटेक कर रहे हैं तो सामने से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गाइस गाड़ी ले ली है, ये मेरे भाई की गाड़ी है बलेनो। तो अभी जाते हैं काम खत्म करके, वापस गाड़ी रख के फिर बाइक से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स
अभी अपना काम खत्म हो चुका है, निकल रहे हैं अभी यहाँ से। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी कार दे दी मेरे भाई को वापिस और अपनी बाइक पे आ चुके हैं हम लोग। और अभी मेरे को बांदम में काम तो है, लेकिन अभी मेरे को वापिस मेरे घर के साइड जाना पड़ेगा, जोन के साइड। उधर भी थोड़ा अभी एक मैं चीज भूल चुका हूँ, तो उधर जाना पड़ेगा। उससे पहले ये पार्सल मांडवी भेजना है। पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी भरवाना है गाड़ी में। सबसे पहले पार्सल देखे, फिर हाईवे से जाते हैं घर पे और उधर से पेट्रोल भरवाएंगे हाईवे पे। तो गाइस आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हो बाल बाल सब कटवा के आ गए, हेयर स्टाइल दाढ़ी वाड़ी। और अभी जीप में हवा भर रहा हूँ, तीन व्हील में हवा नहीं है, तीन व्हील में पंचर ले क्या है पता नहीं क्या है, तीनों व्हील में हवा निकल गई जीप में से। तो अभी वो हवा भर रहा हूँ और बस अब देखते हैं कितने दिन में हवा भरेगी। एक व्हील तो एकदम फ्लैट है, दिखाता आपको, चलो इसमें हवा नहीं है, वो आप देखो व्हील एकदम फ्लैट हो गया है। इसमें शायद तक पाँच छः इतनी हवा होगी, उसमें जीरो। और अभी इसमें चालू है, कार में से हवा भरनी पड़ी, इसमें चालू है हवा जा रही है, एक ही व्हील में हवा है। इसकी कैपेसिटी हवा की इसमें व्हील में 22 तक आती है हवा कैपेसिटी, इसमें पाँच छः होगी, उसमें एकदम जीरो है। अभी आप देख पा रहे हो उस व्हील में हवा भर दी है, देखो ये टायर एकदम बराबर हो चुका है ये टायर। और अभी गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया है, उधर से ऊपर चढ़ाया गाड़ी को यहाँ पे, और इस व्हील में भर रहे हैं, क्योंकि अगर ये व्हील चलाएंगे तो ये व्हील का सत्यानाश हो जाएगा फ्लैट में, इसलिए गाड़ी को ऊपर चढ़ा के इस व्हील में हवा भर रहे हैं, उसके बाद ये व्हील में। अब बस काम चालू है, चल रहा है अभी तो चल रहा है। तो गाइस गाइस वो टायर में हवा आ चुकी है, देख सकते हो आप कितना टायर फ्लैट था और अभी कितना हवा आ चुकी है इसमें, बिल्कुल भी नहीं थी इसमें हवा, और अभी इसमें भी आ रही है, तो इसमें भी हवा आ चुकी है और गाड़ी वापस लेके जा रहे हैं। तो अभी कल मैंने जो जो वस्तु ली थी, जो जो चीज ली थी मैंने 15 अगस्त के लिए, वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले, अरे ये पेपर किसने नीचे छोड़ा, सबसे पहले तो मैंने ये लकड़ी ली है लंबी सी, एक सेकंड देखो कितनी लंबी है, ये मैंने ली है, ये अपनी मैं बाइक में लगाऊंगा, इतना सा बाइक में आएगा और इतना सा झंडा आएगा। दूसरा चीज मैंने ली है ये बांधने के लिए लिया है मैंने, ये झंडे को नहीं, बाइक से मैं लकड़ी को बांधूंगा और इसके अंदर है हमारा झंडा तिरंगा। तो ये मैंने चीज तीन ली है कल। आज है 13 अगस्त, कल 14 को मैं अपनी बाइक वॉश कराऊंगा एकदम क्लीन एकदम मस्त, और 15 को हम निकलेंगे ये सब करवा के। कल मेरे को ये डंडी मैं कल ही डलवा दूंगा डंडी, क्योंकि 15 को सुबह को सिर्फ झंडा ही इंस्टॉल करना रहे, इसलिए मैं डंडी कल ही करवा दूंगा, झंडा मैं 15 को ही डालूंगा, उससे पहले मैं नहीं डालूंगा, ठीक है, और भी 6 बजे के बाद सुबह को। तो गाइस बस आज का व्लॉग इधर ही खत्म होता है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं लगा अच्छा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, आपकी मर्जी है। और बाकी मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो परसों है लेकिन ये व्लॉग कल आएगा, तो एडवांस में ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और 15 अगस्त को जो राइड है वो एडकैप वीडियो बनेगा, और वो आएगा 16 अगस्त को, तो वो भी आप देखिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में 15 अगस्त को, बहुत दूर नहीं है, परसों। बाय बाय, जय हिंद।